नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पे। पिछले जो भी अपनी 3-4 क्लासेस हुई, उन क्लासेस में अपन ने गवर्नर को लेकर बेसिकली डिस्कशन किया, राज्यपाल को लेकर हमारी चर्चा हुई, और दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। राज्यपाल के संदर्भ में जितने सारे आर्टिकल्स थे उनको हमने डिस्कस किया, उससे रेलेवेंट कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को डिस्कस किया, और उससे रेलेवेंट जितने मोस्टली क्वेश्चंस बन सकते थे उनको लेकर भी हमने डिटेल में चर्चा की। और फिर हमने चर्चा की चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर के, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लेकर हमने बात की, उससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किया हमने। आज हमारा जो टॉपिक, जैसे आप थंबनेल में भी देख रहे हैं, आज हमारा नया टॉपिक रहेगा राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, राजस्थान की विधानसभा। याद रखने वाली बात है, जब अपन ने इनिशियल स्टेज में केंद्र सरकार के संदर्भ में चर्चा की थी तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों से बात की थी कि जो संघ सरकार है उस संघ सरकार का निर्माण 3 महत्वपूर्ण अंगों से मिलकर होता है, आपका विधायिका, दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, फर्स्ट वन लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, और थर्ड वन है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका, विधायिका के संदर्भ में अपन ने बात की थी कि देश की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो भारत में संघ सरकार में विधायिका की भूमिका निभाती है, और इस संसद का जो निर्माण है वो देश के राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा से मिलकर होता है, और इस संसद का या विधायिका का मुख्य काम होता है कानून निर्माण करना, लॉ फॉर्मेशन। दूसरे महत्वपूर्ण अंक की बात की थी अपन ने एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट को लेकर, कार्यपालिका को लेकर, और कार्यपालिका के अंतर्गत अपन ने बात की थी कि देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, ये संघ सरकार की कार्यपालिका है। और कार्यपालिका का मुख्य कार्य, ऑनलाइन वाले जो दोस्त हैं, करणलाल यादव जी, चैंपियन अजीतपुरा, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका। इस संघ का महत्वपूर्ण कार्य है कानूनों को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। आप में से बहुत सारे दोस्त कहेंगे ये बात तो हम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इससे रेलेवेंट है, इसलिए मैं यहां पर मुझे डिस्कस करना जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है जुडिशरी, न्यायपालिका, और न्यायपालिका के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वो न्यायपालिका के संदर्भ में सर्वोच्च संस्था है भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, और इसका मुख्य कार्य है विधायिका के द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों का संरक्षण करना, उनको प्रोटेक्ट करना। गॉट इट। अगला अपना फिर जिस मुद्दे पे बात हुई थी वो बात हुई थी राज्य सरकार को लेकर, और राज्य सरकार के भी 3 महत्वपूर्ण अंग, विधायिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यपालिका, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका। अब अगर राज्य सरकार के संदर्भ में विधायिका की बात करूं, जिसको अपन विधानमंडल भी कहते हैं, और राज्य विधानमंडल का जो निर्माण होता है वो होता है
संबंधित राज्य के राज्यपाल से मिलकर, संबंधित राज्य की विधानसभा से मिलकर, और जिन विशिष्ट स्टेट्स में, जिन विशिष्ट राज्यों में अगर विधान परिषद भी है तो विधान परिषद, राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, तीनों से मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। लेकिन चूंकि अपन राजस्थान की पॉलिटी की बात कर रहे हैं, राजस्थान की राजव्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो राज्य विधानमंडल का निर्माण है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होता है, गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली से मिलकर होता है। और इस लेजिस्लेचर का मुख्य कार्य क्या है? लॉ फॉर्मेशन, विधि निर्माण, कानून निर्माण, और दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत गवर्नर, राज्यपाल, आपका सीएम एंड सीएम, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, इन तीनों से मिलकर के जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसका फॉर्मेशन होता है। और इसका मुख्य कार्य इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, गॉट इट। और थर्ड वन और सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, वो है ज्यूडिशरी, और जिसके अंतर्गत शामिल है आपका हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का मुख्य कार्य है प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट टू द लॉ, कानूनों का संरक्षण करना। अब हमने गवर्नर को लेकर चर्चा कर ली, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर चर्चा कर ली, कुछ बातें हमने एडवोकेट जनरल को लेकर भी की। तो कहने का मतलब है स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको लेकर अपना डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है लेजिस्लेचर को लेकर, कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको लेकर के हमारा डिस्कशन है। अब अपन बात करते हैं आगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कि कॉन्स्टिट्यूशन इस संदर्भ में क्या कहता है, संवैधानिक प्रोविजंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इस संदर्भ में क्या है। तो कल अपनी बात कर ली थी आर्टिकल 163 को लेकर, 164 को लेकर, 165 को लेकर भी अपनी बात हुई थी एडवोकेट जनरल को लेकर, 166 को लेकर और 167 को लेकर। इन चार आर्टिकल्स में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उल्लेख है, एलिब्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड इन आर्टिकल 165 देयर इज द प्रोविजन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। बट टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168, और 168 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है राज्य विधानमंडल का, स्टेट लेजिस्लेचर का। और जस्ट बिफोर द 1 or 2 मिनट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि राज्य विधानमंडल का मतलब क्या होता है, तो स्टेट का गवर्नर, और अगर राजस्थान के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में ही अपन बात करते हैं, तो गवर्नर प्लस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर के स्टेट लेजिस्लेचर का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो वी कैन से द गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यपाल और जो राज्य की विधानसभा है वो मिलकर के राज्य विधानमंडल का निर्माण करते हैं। अगला आर्टिकल आर्टिकल 169, और अनुच्छेद 169 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल
कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करना है, या किसी राज्य में ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका उत्साधन करना है, उसको हटाना है वहां से, परमानेंटली उसको निलंबित करना है, तो इस बात का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 169 के अंतर्गत। तो राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उत्साधन, तो संबंधित राज्य की जो विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अगर अपन बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अगर संसद को भेज देती है, दो तिहाई बहुमत से अगर प्रस्ताव को पारित करके संसद को भेज देती है, तो फिर संसद कानून का निर्माण करके संबंधित राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कर सकती है, विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। राजस्थान सरकार के द्वारा 2-3 बार ऐसा प्रोविजन भिजवाया जा चुका है पार्लियामेंट को, संसद को, लेकिन अब तक संसद के द्वारा उस पर कोई गौर नहीं किया गया है और ना ही अब तक राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना हो पाई है। लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 170। और 170 में उल्लेख किया गया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा का उल्लेख किया गया है। और विधानसभा के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि मैक्सिमम एक स्टेट में 500 सीटों वाली विधानसभा हो सकती है और मिनिमम 60 सीटों वाली विधानसभा हो सकती है। वो बात अलग है कि कुछ एक्सेप्शंस है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो केवल राजस्थान असेंबली को लेकर है, राजस्थान स्टेट असेंबली को लेकर के है, लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर है, तो यहां पर चर्चा केवल राजस्थान के संदर्भ में अपन करेंगे। याद रखने वाली बात है, जब 1952 में राजस्थान में पहली विधानसभा के चुनाव हुए, द फर्स्ट इलेक्शन इन राजस्थान ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कंडक्टेड इन 1952, तो उस समय राजस्थान विधानसभा में सीटें थी 160 सीटें थी उस वक्त। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जब दूसरी विधानसभा के चुनाव हुए 1957 में, तो इन सीटों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 176 सीटें, और जब चौथी विधानसभा के चुनाव हुए 1977 में, तो उस वक्त ये सीटें बढ़ाकर कर दी गई 184 सीट्स। और जो करंट में अभी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 200। तो ये 200 सीटें कब की गई, तो ये 200 सीटें की गई फिर जब छठवीं विधानसभा के चुनाव हुए 1977 में, तो उस वक्त राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स है वो बढ़ाकर की कर दी गई 200। और अभी करंट में भी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 200 है। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 171, और 171 में एलिब्रेशन किया गया है स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसकी संरचना कैसी होगी, तो इस संदर्भ में प्रोविजन किया गया है कि किसी भी राज्य में जो विधान परिषद होगी वो संबंधित राज्य की विधानसभा के अधिकतम 1/3 होगी, अधिकतम 1/3 होगी। इसके लिए क्राइटेरियाज फिक्स किए गए हैं कि अधिकतम तो 1/3 होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, और कम से कम सीटें होंगी 40 सीटें। याद रखने वाली बात है, राजस्थान के संदर्भ में ऐसा प्रोविजन, ऐसा प्रावधान भेजा जा चुका है पार्लियामेंट को, संसद को, लेकिन अभी भी राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है, यह याद रखने वाली बात है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि जो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होगा,
क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, डायरेक्टली वोट करके किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से वोट करके। और प्रत्यक्ष रूप से वोट कौन करेगा, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट किए जाएंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट किए जाएंगे। अब वयस्क मताधिकार से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द एडल्ट वोटिंग राइट, वयस्क मताधिकार से क्या मतलब है? तो जो ऑनलाइन वाले दोस्त देख रहे हैं वो जरा बताएं मुझे कि वयस्क मताधिकार से मतलब क्या है, और क्या जब देश का संविधान लागू हुआ था उस वक्त वयस्क मताधिकार को लेकर क्या प्रोविजन थे, और अभी वर्तमान में क्या प्रोविजन है। और जाहिर सी बात है, जब मैं दो क्वेश्चन की चर्चा आप लोगों के साथ कर रहा हूं तो ये बात तो तय है कि मूल संविधान में वयस्क मताधिकार को लेकर कुछ अलग प्रावधान थे और वर्तमान संविधान में कुछ अलग प्रोविजन से अलग प्रावधान है। दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त वयस्क मताधिकार के लिए ये निम्नलिखित तीन योग्यताएं हुआ करती थी। पहला, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, मिनिमम एज न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, 21 ईयर्स हो। और तीसरा, लोकल वोटर लिस्ट में स्थानीय मतदाता सूची में नाम रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो। तो देर आर थ्री क्वालिफिकेशंस ऑफ एडल्ट वोटिंग राइट। फर्स्ट वन इज ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड वन इज मिनिमम एज 21 ईयर्स, एंड थर्ड वन इज ही शुड बी द रजिस्टर इन लोकल वोटर लिस्ट, वह स्थानीय मतदाता सूची में रजिस्टर्ड होना चाहिए, नाम उसका पंजीकृत होना चाहिए। ये प्रोविजंस थे 26 जनवरी 1950 को, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो जो पहली योग्यता और जो तीसरी योग्यता है वो तो एज इट इज है, लेकिन जब देश का संविधान लागू हुआ, चुनाव हुए, तो समय समय पर इस बात की बार बार में मांग उठी कि जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 15-16 साल की हो जाती है तो वह, किसी व्यक्ति की अगर उम्र 15-16 साल हो जाती है तो उसमें इतना विवेक डेवलप हो जाता है कि उसका क्या बुरा है क्या अच्छा है इस बात का निर्णय वह लेने की स्थिति में आ जाता है। तो इस बिहाब पे जो न्यूनतम आयु है उसको कम किया जाना चाहिए। तो फिर राजीव गांधी सरकार के द्वारा भारतीय संविधान में एक संशोधन किया जाता है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। और फिर इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर कर दिया जाता है 18 वर्ष। तो वर्तमान में भी जो वयस्क मताधिकार की योग्यताएं हैं वो तीन हैं, कि वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसकी 18 वर्ष हो, और स्थानीय मतदाता सूची में उसका नाम पंजीकृत, उसका नाम रजिस्टर्ड हो। गॉट इट? ये वयस्क मताधिकार। तो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, उसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अपनी चर्चा चल रही है विधान परिषद को लेकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेकर, कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन किस बेसिस पे होता है। तो याद रखने वाली बात है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो कुल सदस्य संख्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, उनमें से 1/3 जो मेंबर होंगे, 1/3 जो सदस्य होंगे, इनका चुनाव किया जाएगा उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। स्टेट की जो विधानसभा है उसके सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाएगा, 1/3 मेंबर्स का। गॉट इट? सेकंड वन, 1/3 जो मेंबर्स हैं वो लोकल सेल्फ जो बॉडीज हैं,
स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं वो आपका पंचायत राज हो सकता है, नगरीय निकाय हो सकते हैं, इन जिला बोर्डों के द्वारा इनके जो सदस्य हैं उनके द्वारा 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा। थर्ड वन 1/12 1/12 सदस्य हैं, इन सदस्यों का चुनाव ऐसे ग्रेजुएट्स के द्वारा किया जाएगा जिन्होंने 3 या उससे अधिक साल पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो। चौथा 1/12 सदस्यों का चुनाव ऐसे टीचर्स के द्वारा किया जाएगा, ऐसे शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा जो पिछले 3 साल या उससे अधिक अवधि से 10+2 या उससे ऊपरी स्तर पर पढ़ा रहे हों, टीचिंग करवा रहे हों। और लास्ट वन 1/6 मेंबर्स का जो चुनाव है वो नॉमिनेशन होगा, उनका इलेक्शन नहीं होगा बल्कि उनका नॉमिनेशन होगा, उनका मनोनयन होगा। और मनोनयन करेगा कौन? उस रेलेवेंट स्टेट का गवर्नर। गवर्नर अब किस बेसिस पे गवर्नर के द्वारा नॉमिनेशन किया जाएगा? तो नॉमिनेशन बाय गवर्नर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फर्स्ट वन लिटरेचर साहित्य, दूसरा साइंस विज्ञान, थर्ड वन आर्ट कला, चौथा है कोऑपरेटिव मोमेंट्स सहकारी आंदोलन से संबंधित, और फिफ्थ वन है सोशल सर्विस समाज सेवा। तो साहित्य विज्ञान कला सहकारी आंदोलन और सोशल सर्विस सामाजिक सेवा समाज सेवा, इन 5 बेसिस पे रेलेवेंट स्टेट के गवर्नर के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स हैं उनके 1/6 मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाएगा बाय द गवर्नर। गॉट इट? अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आर्टिकल है अपना आर्टिकल नंबर 172 अनुच्छेद 172, और 172 में उल्लेख किया गया है कि जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, वो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड सेकेंड वन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखने वाली बात है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर होता है 5 वर्ष का, या अपन कह सकते हैं कि जो विधानसभा का कार्यकाल है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अब विधान परिषद का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो याद रखने वाली बात है लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस, एक स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता, जिसको समाप्त किया जा सकता है, जिसको डिजोल किया जा सकता है। इसके मेंबर्स का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष का, पर आफ्टर 2 ईयर्स प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नए 1/3 सदस्य चुन करके आ जाते हैं। तो आर्टिकल 172 में किस बात का उल्लेख किया गया है कि जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल उनका टेन्योर कितना होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है। अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 173, 173 और 173 में क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। क्वालिफिकेशन के संदर्भ में अगर बात करूं तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में ही एक योग्यता को छोड़कर के बाकी सारी योग्यताएं सेम है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो बेसिक डिफरेंस है लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो बेसिक डिफरेंस है एज को लेकर,
कि यहां पर जो मिनिमम एज डिसाइड की गई है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के लिए वो है 25 ईयर्स, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी मिनिमम एज डिसाइड की गई है 30 ईयर्स, 30 साल, इसका 25 साल, इसका 30 साल। अब अपन ने स्टेट लेजिस्लेचर को बात लेकर बात कर ली, लेजिस्लेटिव असेंबली की अपन ने बात की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की अपन ने बात की, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की जो टेन्योर है, कार्यकाल है, उसको लेकर के बात की। अभी अपन ने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्वालिफिकेशंस को लेकर चर्चा की। अगला जो अपना आर्टिकल है, आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल के द्वारा जो राज्य विधानमंडल है उसमें मैसेज, संदेश भिजवा सकता है और अभिभाषण दे सकता है, स्पेशल एड्रेस, और अभिभाषण मतलब एड्रेस कर सकता है, संबोधित कर सकता है। दूसरा है आर्टिकल 175, 175 और 175 के संदर्भ में अगर बात करूं मैं, आप ही चाहूंगा 174 में मैसेज और अभिभाषण का नहीं है, जो सदन है उसके 70 को बुला सकता है, उसको डिजोल्व कर सकता है, उसको विघटन कर सकता है, जबकि 175 के अंतर्गत यह बात कही गई है या प्रोविजन किया गया है कि संदेश भिजवा सकता है राज्यपाल और अभिभाषण दे सकता है, एड्रेस कर सकता है। वहीं आर्टिकल अगर 176 की मैं बात करूं, 176 की मैं बात करूं, तो 176 में, और जब अपने गवर्नर से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस किए थे उस वक्त भी ये प्रश्न चर्चाओं में था, क्वेश्चन चर्चाओं में था कि आर्टिकल 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की बात की गई है, स्पेशल एड्रेस। Got it. अब अपन चर्चा करते हैं अगले आर्टिकल की, 177 की, कि अनुच्छेद 177 इस संदर्भ में क्या कहता है। तो 177 में उल्लेख किया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर की जो दो सदन है, किसी राज्य में एक, मैक्सिमम स्टेट्स में एक है, और कुछ एक जो 6 राज्य हैं उनमें 2 सदन हैं, तो सदनों में जो एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता, और जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उन मिनिस्टर्स से रिलेवेंट उनके विशेषाधिकारों की बात की गई, स्पेसिफिक राइट्स की उनकी बात की गई है। इन दोनों के संदर्भ में यह प्रोविजन किया गया है कि अगर सपोज कीजिए किसी स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन स्टेट लेजिस्लेचर में हैं, तो उन दोनों सदनों में एडवोकेट जनरल और मिनिस्टर बिना किसी सदन का सदस्य हुए वहां पर उपस्थित हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट की अगर अपन बात करें, मताधिकार की अगर अपन बात करें, तो एडवोकेट जनरल को तो बिल्कुल नहीं होता किसी भी सदन में। हां, जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो जिस पर्टिकुलर सदन के, जिस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर हैं उस हाउस में स्पीच दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, और साथ में वोटिंग राइट भी उनको होगा, मताधिकार भी उनको होगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स, हालांकि आगे विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनका कार्यकाल, उनको कैसे पद से हटाया जाता है, कितनी अवधि तक वो पद पर रहते हैं, अगर अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो क्या प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तमाम सारी बातें और भी है जो अपन थ्योरी में अलग से डिस्कस करेंगे। अब अपन कुछ क्वेश्चंस को लेकर चर्चा कर लेते हैं इसी टॉपिक से रेलेवेंट। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द गवर्नर नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या में से 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। अब बता दीजिए फटाफट।
सर इलेक्ट्रिकल का बैच, सर विल यू नॉट मेक अ बैच ऑफ इलेक्ट्रिकल? रविंदर जी, इस संदर्भ में जो हमारी टेक्निकल टीम है वो आपको कॉपरेट करेगी, वो बताएगी इस संदर्भ में। क्वेश्चन को फोकस कीजिए आप लोग कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द गवर्नर नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या में से 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो आर्टिकल 169, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171, आर्टिकल 172। अभी जस्ट अपन ने थोड़ी देर पहले ही ये जितने सारे आर्टिकल्स का एलिबरेशन यहां पर किया गया, उस सारे आर्टिकल्स की चर्चा अपन ने की है। बताइए फटाफट, अभी तक सिंगल रिस्पॉन्स भी नहीं आया है, बताइए फटाफट। हाँ मोतीराम जी, नमस्कार आपको भी। क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की थी, वापस देख लीजिए आप लोग। आर्टिकल 168 में तो स्टेट लेजिस्लेचर का उल्लेख किया गया था, राज्य विधानमंडल की बात की गई थी। फिर आर्टिकल 169 में यह प्रोविजन किया गया था कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या उसका उत्सादन करना है उससे संबंधित। आर्टिकल 170 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रक्चर है, राज्य विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर की बात की गई है। और फिर अपने चर्चा की थी राजस्थान में विधानसभा के संदर्भ में वैश्विक मताधिकार को लेकर। और फिर बात की थी अपने आर्टिकल 171 में, जिसके अंतर्गत अपने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 171 में ही अपन ने बात की थी कि गवर्नर के द्वारा 1/6 जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो कौन से आर्टिकल की बात की गई है? आर्टिकल 171 की। तो पहले क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? सबसे पहले जवाब आया है चैंपियन अजीतपुरा का, सी कह रहे हैं आप। बिल्कुल चैंपियन अजीतपुरा जी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इफ द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स, देन द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस विल बी पेबल टू हिम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ आता है चैंपियन जी, बिल्कुल आपका आता है, कमेंट कैसे नहीं आएगा। यदि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो उसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्धियां एवं भत्ते दे होंगे? ये क्वेश्चन अलग अपन डिस्कस कर चुके हैं, बताइए फटाफट। फिर भी एज पर द विश ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की इच्छा अनुसार, एज पर द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के निर्णय अनुसार, बिटवीन दोज टू स्टेट्स इन द रेशियो डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, उन दोनों राज्यों के बीच राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित अनुपात में दे होंगे। और फोर्थ ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल डिसीजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द टू स्टेट्स, उक्त दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आपसी निर्णय अनुसार। अब बताएं फटाफट, डी पे कैसे जा रहे हैं आप? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और उसको भी गलत कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द सेम पर्सन, कि एक ही व्यक्ति इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर, राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, ऑफ टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से अधिक राज्यों का, देन द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस विल बी पेबल टू हिम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो उसकी उपलब्धियां और जो भत्ते होंगे वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? तो पहला आ रहा है राज्यपाल की इच्छानुसार, राज्यपाल की इच्छानुसार तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कहा जा रहा है एज पर द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। तीसरा बिटवीन दोज टू स्टेट्स इन द रेशियो डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति इस संदर्भ में आदेश जारी करेगा कि उक्त दोनों राज्यों के बीच राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और फिक्स रेशियो में, निर्धारित अनुपात में, फिर जो वेतन, जो भत्ते, जो उपलब्धियां हैं वो दे होंगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वर्तमान में राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया गया है? 1, 2, 3, नन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, ये सोच विचार कर ये जवाब दीजिएगा। इसका क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इसके रेलेवेंट में जब अपन ने गवर्नर के टॉपिक का डिस्कशन किया था तो वहां पर मैंने बात की थी आप इस संदर्भ में।
याद कीजिए, आप लोग अपने दो आर्टिकल्स की बात की थी, आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333। 331 के अंतर्गत बात की थी अपन ने कि देश के प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में यदि प्रेसिडेंट को लगता है कि जो एंग्लो इंडियन जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसका सफिशियंट रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं है, तो इन दैट केस टू मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियंस, उनका नॉमिनेशन देश के प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में किया जा सकता था, अब नहीं है, उसकी बात भी करूंगा मैं अभी। और आर्टिकल 333 के अंतर्गत अगर किसी स्टेट के गवर्नर को यह लगता है कि रेलेवेंट स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का सफिशियंट अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इन दैट केस गवर्नर को यह अधिकार होता था कि वह एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता था स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक संशोधन किया जाता है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, और इस 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 331 और 333 में जिन प्रोविजंस का एलिब्रेशन किया गया था उन प्रोविजंस को इनफेक्टिव कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। तो कहने का मतलब है करंट में किसी भी स्टेट के गवर्नर के द्वारा किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि राजस्थान की विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है या किया जाता है, तो एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑन योर स्क्रीन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फर्स्ट वन, कि द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। सेकेंड वन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज नरोत्तम लाल जोशी, कि राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। अब नीचे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर ट्रू, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, तो सत्य पे आप लोग देखिए। गॉट इट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नोर टू। अब बताइए फटाफट। हाँ चैंपियन जी, बिल्कुल आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मस्त होकर ये कमेंट्स कीजिए आप तो, बिल्कुल सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर, कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। अरे राज्यपाल को थोड़ी सौंपता है, वह तो डेप्यूटी स्पीकर को सौंपता है, उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड वन, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज मिस्टर नरोत्तम लाल जोशी, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज एंड आर ट्रू। तो पहला तो गलत है, सेकेंड, ओनली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑन योर स्क्रीन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट वन, द टेन्योर ऑफ इट्स प्रेसिडेंट इज 5 years, इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। सेकेंड वन, इट इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है या मुख्यमंत्री करता है। थर्ड वन इज इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स इज एंड आर ट्रू, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन, अच्छा असत्य पूछ रहा है इसमें, याद रखने वाली बात है, असत्य पूछ रहा है इसमें। तो ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, ये बताइए फटाफट। कहने को तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है,
लेकिन थोड़ा सा अपने को माइंड लगाना पड़ेगा इस संदर्भ में, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, लेकिन वही वाली बात है कि ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी नहीं हटानी, बिल्कुल पूर्ण कंप्लीट केयरफुलनेस के साथ अपने को आगे बढ़ना है कि राज्य विधानसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड फर्स्ट वन इज द टेन्योर ऑफ इट्स प्रेजिडेंट ऑफ 5 ईयर्स। बिल्कुल ठीक है ये तो। इट इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। नो, इट्स नॉट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, इट इज हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। बिल्कुल, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये ट्रू कैसे बोल रहा है, इट्स अ फॉल्स, ये कौन सा कथन गलत है। अगर इसको दोनों प्रकार से हो सकता है ये क्वेश्चन, अगर इसको अपन ट्रू माने, क्योंकि हमेशा याद रखने वाली बात है पेपर में भी जो इंग्लिश वाला वर्जन होगा उसको ही सही माना जाएगा, हिंदी वाले मत जाइए आप। अगर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में गड़बड़ है तो उस कंडीशन में अपने को इंग्लिश वाले को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर यहां पर ट्रू है तो अपने सत्य कथन पहचानना है, तो सीधी सी बात है पहला ठीक है और तीसरा ठीक है। अब लेकिन पहला और तीसरा तो यहां पर बैठ नहीं रहा, तो इसका मतलब है यहां पर ट्रू नहीं है, यहां पर फॉल्स होना चाहिए। कि गलत कौन सा है, तो सीधी सी बात है दूसरा गलत हो जाएगा यहां पर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑन योर स्क्रीन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द फाइनल डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन आर्टिकल 191, इट्स अ सब क्लोज 1 फॉर द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विल बी टेकन बाय द गवर्नर। राज्य विधानमंडल के सदस्य हेतु अनुच्छेद 191 के सब क्लोज 1 में वर्णित निर्हरता संबंधी प्रश्न का अंतिम विनिश्चय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। सेकेंड वन, द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर फॉर डिसाइडिंग सच क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु निर्वाचन आयोग की राय राज्यपाल हेतु बाध्यकारी होगी। विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सही कथन पूछ रहा है यहां पर, तो ओनली वन, सेकेंड ओनली, बोथ 1 एंड 2 एंड नाइदर 1 और नोर 2। बताइए फटाफट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द फाइनल डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन आर्टिकल। देखिए, जो मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन से रेलेवेंट जो प्रोविजन है उसका एलिब्रेशन आर्टिकल 191 के सबक्लोज 1 में किया गया है, और लास्ट में कह रहा है कि फॉर द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विल बी टेकन बाय द गवर्नर। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर फॉर डिसाइडिंग सच क्वेश्चन। ये बात ही बिल्कुल ठीक है। तो दोनों अपने जो स्टेटमेंट हैं वो यहां पर करेक्ट हैं, तो इस अपना जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ऑन योर स्क्रीन। इन विच सिलेक्शन कमेटीज डज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्ले ए रोल। राज्य विधानसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका है वो किन चयन समितियों में होती है। फर्स्ट वन, फॉर द एडवोकेट जनरल, फॉर द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, फॉर द चेयरमैन ऑफ स्टेट वीमेंस कमीशन एंड फॉर लोकायुक्त। कि राज्य विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका किसके चयन समितियों में होती है। पहला, महाधिवक्ता की नियुक्ति करने में, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने में, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने में, या लोकायुक्त की नियुक्ति करने में। अब नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेक्ट कोड अपने को छांटना है यहां से, तो करेक्ट कोड में 2, 3 एंड 4 ओनली, 1, 3 एंड 4 ओनली, 2 एंड 4 ओनली एंड ऑल ऑफ द अबाउ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए फटाफट कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसकी भूमिका कौन से स्पेसिफिक कमेटीज या कौन से स्पेसिफिक लोगों की नियुक्ति करने के संदर्भ में होती है। तो सीधी सी बात है, जो पहला अपने को स्टेटमेंट दिया गया है कि फॉर द एडवोकेट जनरल, याद रखिएगा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति में गवर्नर को
चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उसकी मंत्री परिषद के द्वारा राय दी जाती है, सलाह दी जाती है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, फॉर द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, कि राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका होती है लीडर ऑफ अपोजिशन की। थर्ड वन, फॉर द चेयरमैन ऑफ द स्टेट वीमेंस कमीशन, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है तो नो, इस यहां पर भी नहीं होती। और फॉर लोकायुक्त, लोकायुक्त में होती है। तो दूसरा और चौथा देख लीजिए, 2 and 4। नेक्स्ट वन, इन विच सिचुएशंस द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी कंसिडर्ड इक्वल, कि किन स्थिति या स्थितियों में विधान परिषद व विधानसभा की जो शक्तियां हैं वो समान मानी जाएगी। फर्स्ट वन, गिविंग असेंट टू द ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकृति देने के लिए। सेकेंड वन, टू इंक्रीज द वर्क एरिया ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। थर्ड वन, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग के हेतु। और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स इज एंड आर करेक्ट, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ओनली वन, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, ऑल ऑफ द अबाउ। अब बताइए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच सिचुएशंस द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी कंसिडर्ड इक्वल, कि कौन से मामलों में विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियां समान है, यूं मान लीजिए इसको आप। तो पहला है गिविंग असेंट टू द ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द गवर्नर, कि अगर राज्यपाल ने ऑर्डिनेंस जारी किया है तो याद रखने वाली बात है कि अगर एक सदन है तो उसमें तो विधानसभा चलेगा, लेकिन यहां पर बात की गई है क्वेश्चन की विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, और अगर ऑर्डिनेंस जारी किया है गवर्नर ने तो उस ऑर्डिनेंस को स्वीकृति देने के लिए दोनों सदनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोनों सदन जब उसको पारित करेंगे तो ही वह ऑर्डिनेंस फाइनली कानून बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। सेकेंड वन, टू इंक्रीज द वर्क एरिया ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, की राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए बिल्कुल दोनों की अनुमति आवश्यक होगी। तीसरा, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, अनुदान की मांग पर मत देना, ये जो अधिकार है वो केवल लेजिस्लेटिव असेंबली को है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहां पर कोई रोल नहीं है। तो 1 and 2 ओनली आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, डेप्यूटी स्पीकर की बात हो रही है यहां पर। तो निरंजन आचार्य, लाल सिंह सक्तावत, नारायण सिंह मसूदा और पूनम चंद विश्नोई। अब बता दीजिए फटाफट, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। बताइए फटाफट, इसके बाद केवल एक क्वेश्चन और रह जाएगा फिर अपना, फिर आज के सेशन को खत्म करते हैं अपन। हाँ, चैंपियन अजितपुरा कह रहा है सी। चैंपियन अजितपुरा, पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो क्या आप? सी, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए आप। कि हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर, देखिए स्पीकर की बात तो कर ली अपन ने, कि राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की फर्स्ट स्पीकर कौन थे। तो फर्स्ट स्पीकर तो थे अपने नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, गॉट इट। लेकिन यहां पर बात हो रही है डेप्यूटी स्पीकर की, उपाध्यक्ष की बात हो रही है, और चैंपियन अजीतपुरा ने जवाब दिया है बी संदर्भ में। तो याद रखने वाली बात है, जो लाल सिंह सक्तावत है वह राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अब आज का अंतिम क्वेश्चन, कि इफ ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन और नोट, ऑन हुज एडवाइज डज द गवर्नर एक्ट ऑन द मैटर। यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो इस विषय पर राज्यपाल जिसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है वो कौन है? चीफ मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर ऑफ द असेंबली और प्रेसिडेंट। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट सब लोग, बताइए फटाफट जवाब दीजिए।
क्वेश्चन को सोचना समझना और उसके बाद जवाब देना है अपने को, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपने आर्टिकल 191 के रेलेवेंस बात की थी अपन ने, तो वहीं से इस क्वेश्चन का जवाब भी निकल करके आएगा। चैंपियन अजीतपुरा कह रहे हैं सी। चलिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट, ऑन हूज एडवाइज डज द गवर्नर एक्ट ऑन द मैटर, कि यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है वो किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है, हुआ है या नहीं, तो इस विषय पर राज्यपाल जिसकी सलाह के अनुसार कार्य करता वो व्यक्ति कौन है, तो मुख्यमंत्री नहीं, इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर निर्वाचन आयोग इसका सही जवाब आएगा, विधानसभा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इन लोगों का कोई रोल नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। इनिशियल स्टेज में हमने थ्योरी से संदर्भित बात की, वापस से देख लीजिए फटाफट सारे आर्टिकल्स को आप लोग। हमने स्टेट गवर्नमेंट की बात की, सबसे पहले हमने चर्चा की कि स्टेट गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, तीन महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, पहला आपका विधायिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंतर्गत गवर्नर एंड विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन एग्जीक्यूटिव बॉडी द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। एंड थर्ड वन इज जुडिशरी, एंड अंडर द जुडिशरी हाईकोर्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन स्पेसिफिक स्टेट्स। तो द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर, द लॉ फॉर्मेशन, व्हाट इज द बेसिक वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी, देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, एंड थर्ड वन इज द हाईकोर्ट जुडिशरी, और इसका मुख्य काम क्या है, प्रोटेक्ट द लॉज, कानूनों का संरक्षण करना। और फिर अपने आर्टिकल वाइज बात की, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 168 की बात की, तो 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के संदर्भ में बात की गई है, और राज्य विधानमंडल का मतलब है गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान के संदर्भ में चूंकि अपन बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर के स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। फिर अपने बात की आर्टिकल 169 को लेकर, 169 को लेकर, और 169 के अंतर्गत अपन ने बात की कि किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है, उसका उत्सादन करना है, तो उसके संदर्भ में जो प्रोविजंस का उल्लेख है उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 169 के अंतर्गत। 170 में, 170 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर की बात की गई, उसके स्ट्रक्चर को लेकर बात की गई है। फिर अपन ने बात की कि राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं वो पहली जब विधानसभा गठन हुआ उस वक्त की इतनी थी, और वर्तमान में जो ये 200 सीटें हैं वो कब अस्तित्व में आई, तो 1952 में जब पहली विधानसभा गठन किया गया तो उस वक्त 160 सीटें विधानसभा में हुआ करती थी। फिर 1957 में जब दूसरी विधानसभा के चुनाव हुए तो सीटों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 176। नेक्स्ट वन, फिर जब चौथी विधानसभा का गठन हुआ 1967 में, तो उस वक्त विधानसभा की सीटें बढ़ाकर कर दी गई 184। और फाइनली जब छठवीं विधानसभा के चुनाव की घोषणा की गई 1977 में, तो उस वक्त राजस्थान की जो सीटें हैं विधानसभा की वो बढ़ाकर कर दी गई 200। आज भी राजस्थान की विधानसभा की सीटें 200 ही हैं। और विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है, और वैश्विक मताधिकार के संदर्भ में जो योग्यताएं होती है उसके संदर्भ में अपन ने चर्चा कर ली कि जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ तो उस वक्त तीन योग्यताओं का निर्धारण किया गया था वैश्विक मताधिकार के अंतर्गत। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए, और तीसरा, स्थानीय मतदाता सूची में उसका नाम रजिस्टर होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए। लेकिन राजीव गांधी सरकार के द्वारा फिर भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन, और उस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फिर अपने चर्चा की आर्टिकल 171 को लेकर के, जिसके अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है कि राज्य की जो विधान परिषद है उसमें कौन कौन सदस्य होंगे, किन किन सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, किनका मनोनयन किया जाएगा, तो अपन ने बात की कि राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है तो कौन कौन व्यक्ति है, किस किस के द्वारा सदस्यों का चुनाव या फिर उनका मनोनयन किया जाएगा। तो जो राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसके द्वारा विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा। 1/12 सदस्य जो विधान परिषद के होंगे उनका चुनाव ऐसे ग्रेजुएट्स के द्वारा किया जाएगा जिन्होंने 3 वर्ष या उससे पहले की अवधि में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। 1/12 सदस्यों का चुनाव ऐसे शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा, ऐसे टीचर्स के द्वारा किया जाएगा
जो पिछले 3 वर्षों से 10+2 लेवल पर पढ़ा रहे हों, टीचिंग करवा रहे हों। और अंतिम है, गवर्नर के द्वारा ऐसे 1/6 मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाएगा जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड कॉपरेटिव और सोशल सर्विसेज में अपना स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया हो। और फिर अपने बात के आर्टिकल 172 को लेकर के 172 को लेकर, जिसके अंतर्गत लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितना होगा, उनका कार्यकाल कितना होगा। तो उस संदर्भ में बात की गई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर रहेगा 5 ईयर का, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर रहेगा 6 ईयर्स का। अपने ये भी बात की कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल बाद जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए मेंबर हैं वो इलेक्ट होकर आ जाते हैं। 173 के अंतर्गत अपने क्वालिफिकेशंस की चर्चा की, और सारी क्वालिफिकेशंस सेम हैं लेकिन एज को लेकर के बेसिक डिफरेंस है। लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर किसी व्यक्ति को मेंबर बनना है तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 25 डिसाइड की गई है, वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 ईयर्स डिसाइड किए गए हैं। फिर अपने बात करते आर्टिकल 174 और 175 को, तो 174 के अंतर्गत ये बात रखी गई थी कि राज्यपाल के द्वारा सदन का सत्र बुलाया जा सकता है, उसका विघटन किया जा सकता है, सत्रावसान किया जा सकता है। साथ में अपने 175 को लेकर चर्चा की कि गवर्नर के द्वारा संदेश भिजवाए जा सकते हैं, एड्रेस किया जा सकता है, अभिभाषण दिया जा सकता है। 176 के अंतर्गत अपने स्पेशल एड्रेस की बात की, विशेष अभिभाषण की बात की, और फिर अपने बात की आर्टिकल 177 की, जिसके अंतर्गत अपने बात की एडवोकेट जनरल और जो मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैं या स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके स्पेसिफिक विशेष अधिकारों को, स्पेसिफिक राइट्स को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ क्वेश्चन की चर्चा की हमने स्टेट असेंबलीज के संदर्भ में, कुछ और क्वेश्चन की चर्चा कल करेंगे हम स्टेट असेंबली से रेलेवेंट। तो चलिए मिलते हैं फिर कल इसी 7 बजे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।